नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशा गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। बरेली प्रेम विवाह करके लाइमलाइट में आई बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा। अब साक्षी समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रही हैं। साक्षी के इस फैसले से बरेली की राजनीतिक पार्टी में हड़कंप मच गया है। साक्षी मिश्रा और अजितेश ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए अखिलेश यादव को पत्र लिखकर समय मांगा है और सपा के साथ जुड़कर सोशल वर्क करना चाह रही हैं। वह यह सोशल वर्क और राजनीतिक सफर शुरू करना चाहती हैं। साक्षी मिश्रा ने अपने पिता को राजनीतिक गुरु बताया है। वह शादी से पहले ही अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलना चाहती थी, मगर अजितेश के साथ प्रेम विवाह कर उनका करियर बदल गया। लेकिन अब वह दोबारा राजनीतिक में सक्रिय होना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव, युवा नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भरोसा जताया है। वहीं साक्षी ने कहा है वह बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। विकास कार्य सिर्फ अखिलेश यादव ने कराए हैं और कहा है कि साक्षी मिश्रा ने अपने पिता के कार्य का आकलन 100% से नहीं बल्कि 501% बताया है। अपने पिता की तारीफ करते हुए साक्षी ने कहा कि उनके पिता लगातार अपने क्षेत्र के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वहीं साक्षी मिश्रा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी उन पर भरोसा करके उनको टिकट देती है तो वह उस पर चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल साक्षी मिश्रा सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर सोशल वर्क करना चाहती हैं। वहीं साक्षी मिश्रा ने प्रेम विवाह के बाद अपने पिता के खिलाफ जमकर जंग लड़ी थी और घर से भागकर अपने पिता के खिलाफ जमकर मीडिया में बयानबाजी करते हुए अपने पिता का सर समाज में सबके सामने नीचा कर दिया था। उनके इस राजनीतिक सफर में उनके पति अजितेश भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ विधायक हैं और उनकी राजनीति को आप किस प्रकार देखती हैं? क्या कहीं कमियां उन्होंने छोड़ी हैं अपने क्षेत्र में? नहीं, मैं तो यही बोलूंगी, मतलब वो एज अ पॉलिटिकल लीडर मतलब अपना 100% नहीं 500% देते हैं। मतलब जितना मैंने उनको देखा है और जिस तरह वो लोगों की सुनते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो मतलब वो एज अ पॉलिटिकल लीडर तो बेस्ट है। अगर सम्मान है आपको बेहतरी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया, फिर आप क्या करेंगी, पिता के अगेंस्ट लड़ेंगी? नहीं, वो तो टाइम बताएगा। मैं इस चीज़ पे कोई भी डिबेट नहीं करना चाहती और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपने राजनीति के गुरु किसे मानते हैं आप? अपने राजनीतिक गुरु तो मतलब अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मेरे फादर ही हैं। मतलब जितनी पॉलिटिक्स अगर मैंने थोड़ी बहुत सीखी है तो वो उन्हीं से सीखी है, बाकी तो। क्या क्या सपा ज्वाइन कर लिया है? जल्द ज्वाइन करेंगे आप? अभी तो हमने टाइम मांगा है अखिलेश जी से, बाकी वहाँ से कॉल आएगा तब देखते हैं। मतलब रिटर्न में हमने लेटर पोस्ट कर दिया है, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा फिर देखते हैं, मिलने जाएंगे। किस प्रकार का समाजवादी पार्टी के साथ आप जुड़ाव करने जा रही हैं? क्या चुनाव भी लड़ेंगी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है इलेक्शन लड़ने के बारे में। पहले तो पार्टी ज्वाइन करनी है और मतलब एज अ सोशल वर्कर काम करना है। मतलब मैंने देखा है अखिलेश जी का कि उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और स्पेशली वो महिलाओं को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और जातिवाद से अलग एक राजनीति करते हैं और मतलब बस। लेकिन इलेक्शन लड़ने के बारे में तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है, वो तो टाइम बताएगा। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप अपने पिता के अगर भी चुनाव लड़ेंगी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा है। अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है वो उनका डिसीजन होगा कि वो कौन सी सीट से मुझे टिकट दे रहे हैं, और अभी इलेक्शन के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। बस पार्टी ज्वाइन करनी है और काम करना है उनके साथ। आप राजनीति में आए, आपके जहन में कैसा है कि राजनीति में आएगा? मतलब पहले से ही मैं सोचती थी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पार्टी में, मतलब आने के बाद मैं अपने पापा के साथ भी यही सोचती थी कि वो मुझे अपनी विधानसभा में लेके जाएं और मैं स्पेशली महिलाओं की बात सुनूं। मतलब मैं उनसे कहती थी कि मुझे एज अ सोशल वर्कर काम करने दो, वो तो चलो पुरानी बात है। और मतलब यही है कि मैं और मुझे लेके लोगों के माइंड में बहुत गलत परसेप्शन है, तो मुझे ये लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब लोगों के माइंड में जो मुझे लेके गलत परसेप्शन है उसे चेंज कर पाऊँगी। सपा के साथ जुड़ के सोशल वर्किंग पहले करना चाहती हैं? हाँ जी। राजनीति माने आने के बाद आपने सपा ही क्यों चॉइस की?
अपनी अपनी चॉइस है, मतलब मुझे उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है, और बस, और किसी पार्टी को लेके तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। सब अपना काम करने का तरीका सबका अलग अलग है, उनका मुझे पसंद आया तो इसलिए मैंने आपके सबका। पिताजी विधायक हैं, कर करके दोबारा आपकी शादी को भी अच्छा माना गया है लगातार, और अब आप तो राजनीति में उतर रहे हैं, आपकी वाइफ जो है साक्षी, तो किस प्रकार का निर्णय लिया है और किस प्रकार का आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में उतरने का तो एक ये था कि जो इनका मेन मोटिव है, जैसा कि बताया इन्होंने, एज अ सोशल वर्कर की एक काम करना चाहती हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म होती है कि आप कुछ कर सकें, जैसे ही महिलाओं के लिए करना चाहती हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए लोगों को, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी लाइफ है, और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग से इन्हीं का डिसीजन रहा है और इनकी भी मर्जी थी, क्योंकि शादी से पहले भी ये मुझसे कहती थी कि भाई मुझे इस टाइप से करना है, भित्री में काम करना है, लेकिन वही है कि सुनवाई होती नहीं थी इनकी। तो जो भी इनका डिसीजन है, सही डिसीजन है, मैंने हमेशा सपोर्ट करता हूँ, आगे भी सपोर्ट करता हूँ। समाजवादी पार्टी को ही क्यों आपने चुना उसमें ज्वाइन करने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी को जो चूज़ करने का रीज़न एक ही है, हालाँकि मेरे सभी लोगों से अच्छे टर्म्स हैं पर्सनल, और दूसरी चीज़ अखिलेश भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनका जो जो काम करने का तरीका आप कह लीजिए, या जो विकास कार्य उन्होंने किए, उस चीज़ को कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। जो भी सड़क योजनाएं ले लीजिए या 100 डायल कर लीजिए, बहुत सारी जो योजनाएं लाए, विकास कार्य किया उत्तर प्रदेश में उन्होंने, और मेरा मानना यह है कि भाई यंगस्टर्स को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा सोच अलग होती है, हम लोग की सोच अलग है, हम लोग बहुत आगे का, मतलब अभी भी उत्तर प्रदेश मेरी नज़रिए में पीछे ही है, देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और जो सिटीज है, लेकिन यहाँ की मानसिकता बदल ही नहीं पा रही है, तो कुछ उन चीज़ों पे काम करना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी देखते हैं कि डिसीजन तो हम लोगों ने ले लिया है कि साक्षी मिश्रा वही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगी, बाकी अजय जी अखिलेश भैया डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें उन्हीं के निर्णय के ऊपर है। अगर जैसे चुनाव में क्या चुनाव भी लड़ेंगे आप बरेली से? अगर चुनाव का तो ये है कि समीकरण बताएंगे, समय बताएगा, अगर पार्टी ने भरोसा किया साक्षी मिश्रा पे, अध्यक्ष जी ने करा, पार्टी ने भरोसा किया, तो चुनाव का सोचा जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा हम लोगों ने कोई प्लान नहीं करा है कि भाई चुनाव लड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हमने यही डिसाइड करा कि भाई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।